नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्टॉक है डिश टीवी इंडिया लिमिटेड का। दोस्तों डिश टीवी इंडिया का शेयर प्राइस 13 जनवरी 2023 को 18 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डिश टीवी इंडिया की बात की जाए तो ये सैटेलाइट टेलीविजन प्रोवाइडर है, नोएडा बेस्ड कंपनी है और इसमें यस बैंक बिगेस्ट स्टेक होल्डर है। तो दोस्तों डिश टीवी सैटेलाइट टेलीविजन इंडस्ट्री से रिलेटेड है और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2003 को हुई थी, यानी कि 19 साल पहले। इसका हेडक्वार्टर सेक्टर 16A फिल्म सिटी नोएडा में है। इसके प्रोडक्ट की बात की जाए तो जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो हैं सैटेलाइट पे टेलीविजन, पे पर व्यू स्ट्रीमिंग टेलीविजन। इसके ओनरशिप की बात की जाए तो यस बैंक इसमें 25.63% की हिस्सेदारी रखता है, जो कि अभी इसने रिसेंटली जेसी फ्लावर को ट्रांसफर कर दिए हैं। और डीसच बैंक इसमें 6.16% की शेयर होल्डिंग रखता है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन 4.73% की शेयर होल्डिंग रखता है। इंडसइंड बैंक इसमें 3.78% की शेयर होल्डिंग रखता है। एलएनटी फाइनेंस 1.95% की शेयर होल्डिंग रखता है इसमें। आदित्य बिरला सनलाइफ असेट मैनेजमेंट इसमें 1.59% की शेयर होल्डिंग रखता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात की जाए तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इसमें 400 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज इसमें काम करते हैं। सब डायरीज की बात की जाए तो इसकी जो सब डायरीज है वो है D2H जिंग डिजिटल। फ्रेंड्स, आप लोग चार्ट को देख सकते हैं कि चार्ट में इसने जो हाई लगाया हुआ है वो 7 अगस्त 2015 को लगाया हुआ है, जब इसका शेयर प्राइस 118.70 रुपए था। अभी दोस्तों काफी सस्ते रेट पर मिल रहा है। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। डिलीवरी वाइज डिलीवरी की बात की जाए तो इसमें 12 जनवरी को 44% की डिलीवरी हुई है और 13 जनवरी को 43.6% की डिलीवरी हुई है। मंथली वाइज इसमें बात की जाए तो सबसे ज्यादा डिलीवरीज मार्च के महीने में हुई है 2022 में 77.8% की, और वहीं दिसंबर 2021 में, नवंबर और दिसंबर 2021 में इसमें 100% की डिलीवरीज हुई है 17 से 18 रुपए के बीच में, जो कि काफी अच्छा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो दोस्तों प्रमोटर्स के पास सिर्फ 4.04% की शेयर होल्डिंग है, पब्लिक के पास 89.87% की शेयर होल्डिंग है। और दोस्तों इसमें डील्स में देखा जाए तो डील्स में अभी रिसेंटली 22 दिसंबर 2022 को यस बैंक ने इसके बहुत सारे स्टॉक सेल किए हुए हैं ऑफ मार्केट ट्रांसफर में, जो कि जेसी फ्लावर असेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को इसने सेल किए हुए हैं 25.6%, और यस बैंक के पास अभी 0.6% ही शेयर बचे हुए हैं डिश टीवी के। तो आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है। आने वाले समय में जैसे ही कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स या कोई बहुत बड़ी विदेशी कंपनी इसमें एंट्री लेता है, इसका स्टैक परचेज करता है, तो इसका शेयर प्राइस यहाँ से काफी ऊपर जा सकता है। तो इसका आने वाला समय दोस्तों काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों हो सकता है कि भारत सरकार की ओर से भी आने वाले समय में डिश टीवी को कोई बहुत बड़ा ऑर्डर
मिल सकता है। तो जैसा कि आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं कि जो हाई लगाया हुआ है वो 7 अगस्त 2015 को 118.70% पे लगाया हुआ है, और अभी दोस्तों रिसेंटली ये 10 रुपए के आसपास था और वहां से इसने बाउंस बैक देते हुए 21-22 रुपए के आसपास गया था। उसके बाद दोस्तों इसने यहाँ पे अपना सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है, यानी कि ये 18 से 20 रुपए के बीच में अभी चल रहा है। जैसे ही दोस्तों ये 25 को क्रॉस करेगा तो यहाँ से ये इसका शेयर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। शॉर्ट टर्म की बात करें, अगर आप शॉर्ट टर्म में इसकी पोजीशन लेते हैं, आप लोग डिश टीवी के स्टॉक को कैश में बाय कीजिए और इसके जो शेयर होल्डिंग है उसको डीमेट में, अपने डीमेट अकाउंट में इसकी पोजीशन ले लीजिए। और आने वाले समय में दोस्तों अगर आप लोग इसको अगले 1 से 1.5 साल के लिए होल्ड करते हैं शॉर्ट टर्म में, तो ये 30 के ऊपर जाता हुआ नजर आने वाला है। और मीडियम टर्म में अगर मीडियम टर्म में आप इसका शेयर को होल्ड करते हैं, यानी कि 2 से 3 साल के लिए, तो इसका शेयर प्राइस 50 के ऊपर जाता हुआ नजर आने वाला है। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में अगर जाते हैं, अगर लॉन्ग टर्म में इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 8 से 10 साल के लिए, तो इसका शेयर प्राइस 200 रुपए के ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय इसका काफी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि जैसे ही कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर या फिर FII इसमें एंट्री लेता है, तो इसका स्टॉक प्राइस यहाँ से काफी ऊपर जा सकता है। और आने वाले समय में दोस्तों इसका शेयर प्राइस अपर सर्किट भी लगा सकता है। जैसे ही एक दो अपर सर्किट लगती हैं, इसका शेयर प्राइस 30 रुपए के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार मौका है यहाँ पे पोजीशन बनाने का। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये 25 को क्रॉस करेगा, तो 25 को क्रॉस करते हुए ये 30 के ऊपर निकल जाएगा और वहां से ये नॉन स्टॉप 50+ फिर 100+ ऐसे जाता हुआ आपको नजर आने वाला है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों आप लोग डिश टीवी के शेयर को कैश में बाय कीजिए और इसके जो शेयर होल्डिंग है वो अपने डीमेट अकाउंट में ले लीजिए, और आने वाला समय इसका काफी अच्छा रहने वाला है। तो आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोग अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं और भी अच्छा स्टॉक आपके लिए लेकर आऊंगा, जो कि आपको और भी अच्छा फायदा देने वाले होंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।